हेलो एवरीवन, एससी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 25, जिस तरह का हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमें निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इसके एक्सलेशन का, तो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूँ। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट। मतलब स्ट्रिंग और पुली लाइट इसलिए बताया गया है कि हम उसके मास को कंसीडर ही ना करें, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन ऑफ टू ब्लॉक्स, इस दोनों ब्लॉक्स के एक्सलेशन का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है आपके लिए, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको कि क्या हमें करना है, उसकी बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से ब्लॉक दिया हुआ है, मैं फिर से यहां पे एक बार ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह का दिया हुआ है, और इसमें जो डायग्राम है, यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास डायग्राम में बताया गया है कि ये जो है ये 3 मीटर का है। इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक की, वो 3 मीटर की है, और ये जो है ये 4 मीटर का है, और ये 5 मीटर का है, और ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये फिक्स्ड है हमारा। ये एक तरह का जो इंक्लाइन सरफेस बना हुआ है, ये इंक्लाइन सरफेस हमारा फिक्स्ड है। इसके टॉप पे यहां पे पुली लगाई गई है, और पुली के साथ एक जो है यहां पे एक 1 kg मास की बॉडी, और दूसरी तरफ भी यहां पे सेम मास की बॉडी, 1 kg मास की बॉडी यहां पे दी हुई है। दोनों ही 1 kg का है, ये भी क्वेश्चन में ही कंसिडर है कि ये दोनों ही 1 kg का है, और हमें एक्सलेशन निकालना है। तो देखिए, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको यहां पे बता दिया जाता है कि भाई ये एंगल जो है ये थीटा है और ये एंगल फाई है, इस तरह का बता दिया जाता है। लेकिन यहां पे आपको एंगल कंसीडर नहीं किया गया है। आपको क्या कंसीडर किया गया है, इसकी साइड्स, ये जो ट्रायंगल शेप में ये जो ब्लॉक है जो फिक्स्ड है, इसकी साइड दी हुई है 3, 4 और 5 की। तो 3, 4 और 5 की अगर साइड्स है, तो देख के भी ऐसा लग रहा है कि एक पैथागोरस के फॉर्मेट में ये जो ब्लॉक है वो रखा गया है। इसको एंगल को मैं यहां पे थीटा मान लेता हूं, और यहां पे मैं इसको मान लेता हूं अल्फा, ठीक है। अब जो है कि इस ये जो सरफेस है इसकी इंक्लाइनेशन ज्यादा है रिस्पेक्ट टू दिस वन, है ना। इसकी मास को मैं m1 मान लेता हूं, इसके मास को फिलहाल मैं m1 मान लेता हूं, और इसके मास को m2 मान लेता हूं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जनरल क्वेश्चन आ जाता है, अभी यहां पे 1 kg 1 kg दिया हुआ है, लेकिन बहुत बार क्या होता है जनरल क्वेश्चन आ गया और दोनों की मास अगर वेरिएबल है, डिफरेंट है, तो उस केस में कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब क्या है, यहां पे इसका जो वेट है, ये m1 जो ब्लॉक है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगना है m1g, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सरफेस है, सरफेस तो इस तरह का है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगना है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो ये मान लिया हमने r1 है। और सरफेस के परपेंडिकुलर के दूसरी तरफ अगर यहां पे ये थीटा बना रहा है, मैं बता दूं, तो यहां पे भी ज्योमेट्री से आप देखोगे तो ये यहां पे भी थीटा ही बनाएगा, और जब थीटा बनाएगा तो m1 के साथ ये बना रहा है, m1g के साथ, तो ये हो जाएगा m1g cos थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट होगा वो बनेगा m1g sin थीटा, ये बनेगा। उसी तरह से दूसरी तरफ हम देखें तो यहां पे भी हमने m2 ब्लॉक कंसीडर किया है, m2 ब्लॉक का जो वर्टिकली डाउनवर्ड जो वेट होगा ये m2g लगना है। और जिस तरह से यहां पे हमने अल्फा एंगल कंसीडर किया है, थीटा और अल्फा, तो यहां पे भी आप अल्फा ही लिख लो। तो अल्फा एंगल अगर हमने कंसीडर किया है, तो जिस तरह से इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगना है इस तरफ r2, तो इस तरफ भी क्या होगा, ये ज्योमेट्री से ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा आपका m2g cos अल्फा।
एम टू जी कॉस अल्फा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ क्या होगा, एम टू जी साइन अल्फा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आर वन है, एम वन मास बॉडी की बात कर लें तो आर वन जो है और इसकी ठीक अपोजिट में हमारे पास क्या है, एम वन जी कॉस थीटा। तो एम वन जी कॉस थीटा जो है ये आर वन को कैंसिल कर देगा। उसी तरह से यहां पे आर टू जो लग रहा है ये एम टू जी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जो आपका फोर्स लग रहा है वो इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सलेशन जो होना है बॉडी का वो एक्सलेशन इस डायरेक्शन में होना है, क्योंकि इसकी इंक्लाइनेशन इस तरफ ज्यादा है। देखो एक्सलेशन किस डायरेक्शन में होना है, इस डायरेक्शन में होना है, क्यों, क्योंकि इसकी इंक्लाइनेशन ज्यादा है। तो जिस एक्सलेशन से ये बॉडी इस तरफ मूव करेगा उतने ही एक्सलेशन से आपका दूसरा जो एम टू मास का बॉडी है वो भी एक्सलेट करेगा ऊपर की तरफ। ये नीचे की तरफ आएगा तो वो ऊपर की तरफ आएगा, तो सेम एक्सलेशन से ये ऊपर की तरफ आएगा। और इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा R1 और M1 G cos थीटा, R2 और M G cos, M2 G cos अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब जो हमारे पास रह गया है सिर्फ उसकी बात करेंगे। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो ये अगर टेंशन इसमें T है इसमें भी T है, तो यहां पे भी आप वही चीज दिखा दो, टेंशन T और इस तरफ भी टेंशन T। ठीक है, अब सवाल है कि बॉडी किस तरफ मूव करेगी, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब एम वन जी साइन थीटा इस टेंशन टी से बड़ा होगा। तो यहां पे इक्वेशन आपके पास क्या आएगा वो देखो। जी हाँ बिल्कुल, एम वन जी साइन थीटा माइनस टी, एम वन जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम वन ब्लॉक है और उस पर एक्सेलेरेशन कितना है आपका, तो ए एक्सेलेरेशन है तो एम वन इंटू ए। ठीक है, उसी तरह से इस इंक्लाइन प्लेन की बात कर लें तो ये ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके आएगा, तो यहां पे टेंशन ज्यादा बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो टी इसको पुल कर रहा है ऊपर की तरफ और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पर रिजल्टिंग फोर्स क्या लगेगा, टी माइनस एम टू जी साइन अल्फा का, तो टी माइनस एम टू जी साइन अल्फा इक्वल टू ये किस पे रिजल्टिंग फोर्स लग रहा है, एम टू वाले ब्लॉक पे, तो एम टू इंटू ए। ये इक्वेशन वन है आपके पास, ये इक्वेशन टू है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ऐड करके। यहां से टी और टी कैंसिल हो जाना है, यहां पे देखेंगे हम लोग ये आ रहा है एम वन जी साइन थीटा माइनस एम टू जी। ठीक है, अब जी भी कॉमन ले सकते हो आप, तो जी कॉमन ले लो, एम वन साइन थीटा माइनस एम टू साइन अल्फा इक्वल टू ए कॉमन ले लो, एम वन प्लस एम टू। और हमें चाहिए क्या, हमें तो एक्सेलरेशन ही चाहिए ना, तो एक्सेलरेशन देखो यहां से क्या आ रहा है, ए इक्वल टू इस पूरे पे इतना अपॉन एम वन प्लस एम टू, मतलब जी एम वन साइन थीटा माइनस एम टू साइन अल्फा अपॉन में एम वन प्लस एम टू। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा एक्सेलेरेशन निकल गया। नॉर्मली हम लोग पुली के केस में एक्सेलेरेशन क्या निकालते थे उसको भी मैं यहां पे कंपेयर करके आपको बताऊंगा, और ये फॉर्मूला याद कैसे रखा जाए इसके लिए भी मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी इस क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करने पे बिलीव करूंगा, पहले सॉल्व कर लेता हूं। अब हमारे पास है कि साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग और उसके बाद इसमें पुट करेंगे। तो मैं इस डायग्राम को यहां पर क्लीन कर देता हूं, ये कर दिया मैंने। तो यहां से देखेंगे साइन थीटा, अगर थीटा मैंने यहां पे लिया है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये होगा, ये वाला
क्योंकि 90 यहां पे बन रहा है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाफ टेन एस 4/5, तो ये हो गया 4/5। उसी तरह से साइन अल्फा इस बार परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, तो साइन अल्फा इक्वल टू 3/5। अब यहां पे आपको सिर्फ उसकी वैल्यू रखनी है, जी तो जी रहने देंगे। चलिए यहां से करते हैं हम लोग काम, जी एम वन, मास एम वन कितना है 1 kg का, जैसा कि क्वेश्चन में ही बताया दिया था। मैंने बेशक यहाँ पे कंसीडर किया इसको M1 और इसको M2, लेकिन इस क्वेश्चन में जो डायग्राम में हमारे पास दिया हुआ है वो M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो इसलिए M1 1 साइन थीटा 4/5 माइनस M2 भी 1 है इंटू साइन अल्फा 3/5 अपॉन 1+1, यही हमारे पास एक्सेलरेशन बता रहा है। तो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 4/5 और ये आ जाएगा 4-3 मतलब 1/5/2 मतलब g/10। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ गई आपकी g/10 की आ गई, और इसी एक्सेलरेशन के साथ ये वाली M1 मास की जो बॉडी है ये नीचे की तरफ और M2 मास की बॉडी उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगी। हाँ, अब मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा था, जो मेन चीज है याद रखने वाली बात, आपको इक्वेशन पता होगा, अगर हमने पुली का केस लिया था और उसमें हमने M1 और M2 लिया था, मैं अच्छे से याद दिला दूं आपको, ठीक है। तो अगर हमारे पास M1 बड़ा था तो मैं वहां पे एक लेता था, देखो आप M1-M2 यहां पे जी अपॉन में M1+M2 इक्वल टू ए, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास फर्क क्या आ गया, देखिए फर्क इतना सा रह गया कि इंक्लाइनेशन हमारे इस सरफेस की ज्यादा थी जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा था, तो इसलिए मैंने यहां पे साइन थीटा लिया। जिसकी इंक्लाइनेशन ज्यादा होगी उसको लोगे, जिसका मास ज्यादा है उसको लोगे, दूसरी तरफ जिसकी इंक्लाइनेशन कम है, जिसका मास कम है, कम मास वाले को, जैसे कि हमने M2 वाले को कम मास मान लिया क्योंकि ये बॉडी ब्लॉक कम मास तो नहीं है लेकिन ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका मोशन जो है, मोशन में एक्सेलरेशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो M1 मास वाला था, इसलिए यहाँ पे M2 को हमने थोड़ा सा लेस कंसिडर किया, तो M1-M2 और इसके साथ जो एंगल बन रहा था वो साइन अल्फा अपॉन में, नीचे हमेशा M1+M2 करते हैं तो यहाँ पे भी हमने M1+M2 ही किया था। तो अगर आपको इंस्टेंटली एग्जाम में अगर आपको ये चीज याद दिलाना हो तो आप इतना डिराइव नहीं करेंगे, आप इस फॉर्मूले को तुरंत दिमाग में लाइए कि क्या मैंने बताया था और उस पर सीधा आप अप्लाई करोगे, आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।